वर्किंग थी उसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बता भी दिया था, और उसके पश्चात अगर किन कुछ कुछ लड़कों को जो साफ दिख नहीं रहता, उस वजह से उसका मैंने वापस एक वीडियो बना के भी आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने जो MIPS का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी वो वीडियो डाला हुआ है। आप उस वीडियो को भी देखोगे तभी आपको इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में पता चल जाएगा कि इस ट्रांजिस्टर के अंदर किस प्रकार से मैक्सिमम करंट जो है वो उत्सर्जक के आवेश वाहकों के प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होती है। अब जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जिसके अंदर दो संधियां थी, एक तो ईमीटर बेस्ड संधि तथा एक क्लटर बेस्ड संधि, इस दो संधियों के अंदर जो सबसे अधिक आवेश वाहक या सबसे अधिक डोपिंग जो होती थी वो इस उत्सर्जक ई के अंदर तथा उसके पश्चात कलेक्टर के अंदर, और सबसे कम डोपिंग होती थी बेस के अंदर। इस के अंदर मैंने आप लोगों को PNP ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसके बारे में बताया था तथा टोटल करंट की इक्वेशन जो प्राप्त होती है उसके बारे में तथा संग्राह के लिए उस करंट की इक्वेशन क्या होगी उन सब के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जब सबसे अधिकतम आवेश होते हैं वो आवेश वाहक इधर की तरफ फ्लो करते हैं उस समय वो आवेश वाहक कितने दो क्षेत्रों से, एक क्षेत्र से होके गुजर के दूसरे के ऊपर पहुंचते हैं, मतलब इस आधार से होते हुए वो कहाँ पे पहुंचते हैं, कलेक्टर के ऊपर पहुंचते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आधार के अंदर डोपिंग तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कुछ आवेश वाहक एन प्रकार के अचालक के कारण होते हैं। वह एन प्रकार के आवेश वाहक क्या करते हैं, इस ई मीटर या पी प्रकार के अंदर जो उपस्थित हॉल होते हैं उन आवेश वाहकों को कहाँ पे रोक लेते हैं, यहाँ पे बेस के अंदर रोक देते हैं तथा उसके पश्चात आगे जो अधिकतम आवेश वाहक वो कहाँ पे चले जाते हैं, कलेक्टर के अंदर। जो अधिकतम आवेश वाहक कलेक्टर के अंदर जाते हैं वो मान लो कि अगर इस भाग का अल्फा अंश यहाँ पे जाता है तो अल्फा अंश यहाँ पे जाता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाली धारा क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू IE, क्योंकि यहाँ से कलेक्टर के अंदर जितने आवेश वाहक थे वो सारे के सारे प्रवाहित हुए हैं, तो उस वजह से उसकी धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी, कलेक्टर के अंदर उपस्थित आवेश वाहकों के कारण धारा IE। तथा अगर इसका अल्फा अंश कहाँ पे पहुंचा है, संग्राहक के पास में पहुंचा है, तो संग्राहक के पास में अगर अल्फा अंश पहुंचा तो उस अल्फा अंश के कारण जो धारा उत्पन्न होगी वो कौन सी हो जाएगी, अल्फा इंटू IE धारा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अल्फा अंश पहुंची है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अंश तो कहाँ पे बचा, यहाँ पे आधार के अंदर बचा, तो इस आधार के अंदर क्या हो जाएगा, 1 - α IE धारा यहाँ पे पहुंचेगी। तो ये इस प्रकार से दो, ये धारा कितने दो भागों में टूटी, जो यहाँ से उत्सर्जक के अंदर उत्पन्न हो रही है वो धारा कहाँ पे, दो भागों में, एक तो आधार के अंदर 1 - α IE तथा एक संग्राह के अंदर α IE के रूप में उत्सर्जित हुई। उसी के साथ में आप लोगों को मालूम हो तो ये वाली संधि जो होती है इधर की साइड की वो होती है रिवर्स बायस कंडीशन में, और ये वाली संधि किस बायस में होती है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। और यहाँ पे पी प्रकार के अचालक है तो यहाँ पे आवेश वाहक जो होंगे बहुसंख्यक वो कौन होंगे, हॉल, और यहाँ पे भी हॉल होते हैं, तो हॉल की गति जिस दिशा में होती है उसी दिशा में क्या बहती है, करंट बहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉल किस दिशा में बह रहे, इस दिशा में बह रहे, तो इसमें धारा भी किस दिशा में बहेगी, IE भी किस दिशा में, इस दिशा में बहेगी। और यहाँ पे आई अल्फा की डायरेक्शन में क्या होगी, इधर ही होगी तथा 1 - α IE की भी दिशा किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। इसका कारण ये है क्योंकि जो हॉल होते हैं जिस दिशा में हॉल प्रवाहित होते हैं उसी दिशा में क्या होती है, करंट की डायरेक्शन भी उसके हॉल की दिशा में होती है। लेकिन इसी जगह पे अगर हम NPN ट्रांजिस्टर लेते तो NPN ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते उसकी विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होते, करंट की डायरेक्शन उसके विपरीत दिशा में होती है। तो हमेशा ध्यान रखना जो PNP संधि या PNP ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जिस दिशा में बहुसंख्यक आवेश वाहक प्रवाहित होते हैं उसी दिशा में क्या होती है, ट्रांजिस्टर के अंदर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के ऊपर अधिकतम करंट का प्रवाह होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम NPN ट्रांजिस्टर में जाएंगे तो NPN ट्रांजिस्टर के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है हमेशा धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। उसके बाद में आप लोगों को मालूम हो तो ये जो संधि है ये किस बायस में है, रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस एन प्रकार के अचालक में जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, हॉल होते हैं, तथा इस पी प्रकार के अचालक के अंदर आवेश वाहक या अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गति किधर से किधर करेंगे, इधर से इधर की तरफ, हॉल गति कहाँ से कहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की गति किधर की तरफ है,
इधर की तरफ तथा हॉल की गति उधर की तरफ है, तो इन दोनों के कारण जो धारा बहेगी उसकी दिशा क्या होगी? यही होगी आई ऑफ हॉल और आई ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आई ऑफ हॉल तथा आई ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बेस तथा कलेक्टर के अंदर जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है उनके कारण उत्पन्न होती है। जो कि क्या है, किस कारण से उत्पन्न हुई? जो ये कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किस अवस्था में? रिवर्स बायस कंडीशन में। और रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर हमेशा जो आवेश वाहक प्रवाहित होते हैं संधि को पार करने के लिए वो कौन से आवेश वाहक होते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक। और यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक एन प्रकार के चालक में कौन होते हैं? हॉल होते हैं। तथा पी प्रकार के चालक में आवेश वाहक अल्पसंख्यक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये आई हॉल तथा आई इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा बहेगी वो कैसी धारा होगी? अल्पसंख्यक आवेश वाहक, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई नॉट से। आई नॉट बराबर क्या होता है? आई हॉल प्लस आई इलेक्ट्रॉन। और इस या फिर इसको हम कैसे करंट भी बोल सकते हैं? लीकेज करंट। और यह भी किसके अंदर? संग्राहक तथा बेस संधि के अंदर है और संग्राहक से होके गुजर रही है। तो इस वजह से जो ये धारा जो होगी संग्राहक के अंदर, टोटल धारा का मान क्या हो जाएगा संग्राहक के अंदर? आई सी बराबर क्या हो जाता है? अल्फा इंटू आई ई प्लस के आई सी नॉट। और यहां से जो ये टोटल धारा प्रवाहित हुई है वो कितने भागों में विभाजित हो रही है? दो भागों में, एक तो किसके अंदर? बेस के अंदर, और दूसरी किसके अंदर? कलेक्टर के अंदर। यहाँ पे बेस और कलेक्टर के अंदर ये टोटल आई ई विभाजित होती है। तो इस वजह से दो ट्रांजिस्टर में कुल धारा का समीकरण जो होगा वो क्या होगा? आई ई बराबर आई बी प्लस के आई सी, ये ध्यान रखना है। तो टोटल हमें कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशनों के बारे में मालूम है। एक तो ये संग्राहक धारा और दूसरी कलेक्टर धारा, या संग्राहक धारा दूसरी है आपकी उत्सर्जक, या कुल धारा का जो समीकरण है वो दो समीकरण है। इन दो समीकरण के आधार के ऊपर ही क्या है, नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के, अल्फा के ऊपर अल्फा की वैल्यू दे देता है, संग्राहक धारा का मान देता है या फिर लीकेज करंट का मान दे देता है। तो उस आधार के ऊपर वो आपको अगर टोटल करंट का मान पूछे या फिर आधार धारा का मान पूछे या फिर संग्राहक धारा का मान पूछे, तो इन दो सूत्रों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? टोटल समीकरण, टोटल धारा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर आधार में बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और संग्राहक में बहने वाली भी धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कितनी? तीन इक्वेशन। एक तो कौन सी? सबसे पहली कुल धारा समीकरण, आई ई बराबर किसके होता है? आई बी प्लस आई सी के, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आधार धारा, आई बी बराबर क्या हो जाएगी? वन माइनस के अल्फा इंटू आई ई। और तीसरा जो है आपका समीकरण वो है संग्राहक धारा का। यहाँ पे जो संग्राहक धारा होती है उसको हम किससे? आई सी बराबर अल्फा इंटू आई ई प्लस आई सी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये तीन समीकरण आपको ध्यान रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन तीन समीकरण के आधार के ऊपर भी आधार पर ही हम अगर किसी भी ट्रांजिशन युक्ति के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर आधार धारा, संग्राहक धारा या फिर कुल धारा का मान पूछे, तो इन तीनों में से अगर किसी भी वैल्यू, दो वैल्यू के बारे में उनको मालूम होगा तो हम तीसरी वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हैं। इसके ऊपर जो एक क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा इन तीन समीकरण का कितना ज्यादा यूज है या ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा का मान 0.98 तथा संग्राहक सरण धारा या लीकेज करंट
आईसी नॉट एक माइक्रो एम्पियर है तो संग्राहक तथा आधार धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि इन इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर आधार तथा संग्राहक तथा इमिटर तीनों में जो धारा बहती है उसका मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 0.98, आई सी नोट कितने दी हुई है एक माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं 1 × 10⁻⁶ एम्पियर। अब यहाँ पे अल्फा का मान मालूम है, आई सी नोट का मान भी हमें मालूम है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एक और लाइन ऐड कर लेना तथा आई ई जो है वो कितना है 1 mA है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, संग्राहक धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। संग्राहक धारा क्या हो जाएगी, संग्राहक धारा आई सी बराबर क्या होता है अल्फा इंटू आई ई प्लस के आई सी नॉट, आई सी बराबर क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 0.98 इंटू 1 × 10⁻³ प्लस 1 × 10⁻⁶। यहां से आई सी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0.981 मिली एम्पियर, या फिर इसे बोल सकते 0.98 माइक्रो एम्पियर, ये आईसी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहां से 3 पॉइंट और हटाओगे तो 10⁻³ और ऐड हो जाएगा और मिली एम्पियर पहले से ही है और 10⁻³ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। ये संग्राहक धारा के बारे में हमको पता चलेगा। अब हमको क्या निकालना है, आधार धारा का मान ज्ञात करना है। अब हम किसका मान निकालेंगे, आधार धारा का मान। आधार धारा के मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए धारा समीकरण। धारा समीकरण आई ई बराबर क्या है आई बी प्लस के आई सी। IB प्लस के IC, यहां से IE बराबर IB प्लस IC है तो यहां से अगर हम आधार धारा का मान निकालना चाहे तो वो IB बराबर क्या हो जाएगा IE माइनस के IC। यहां से IE बराबर IB प्लस IC से हम क्या निकाल सकते हैं, IB का मान जो कि IE माइनस के IC के बराबर होता है। यहां से IE उससे जो धारा का मान क्या है IB बराबर 1 × 10⁻³ माइनस, यहां से इसकी वैल्यू कितनी है 0.981
981 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3। तो यहाँ से आई बी का मान कितना आ जाएगा, 0.019 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 मिली एम्पियर। यहाँ से आई बी बराबर क्या हो जाएगा, 19 माइक्रो एम्पियर। अब इस समीकरण के अंदर जो आप देखोगे तो यहां पे आई ई जो है वो क्या है, मैक्सिमम है आई सी से और वेरी वेरी मैक्सिमम है आई बी से। ये कंडीशन भी एक ट्रांजिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि आप लोगों को मालूम हो तो सबसे ज्यादा डोपिंग इसमें ई मीटर में, उसके पश्चात कलेक्टर में, और उसके बाद में सबसे कम डोपिंग होती है आधार के अंदर। और यहाँ पे ये जो करंट भी अलग अलग ऐसे सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम जो अलग अलग करंट प्राप्त हो रही है उसका कारण होता है इनके अंदर जो डोपिंग तथा आवेश वाहकों का प्रवाह। और यहाँ पे जो उत्सर्जक होता है उसके अंदर जो जितने भी आवेश वाहक होते हैं उन सबका प्रवाह होने के कारण फॉरवर्ड बायस में करंट उत्पन्न जो होती है वो कौन सी होती है, उत्सर्जक करंट होती है। वही करंट किस में डिवाइड होती है, कलेक्टर तथा बेस के अंदर। और आप यहाँ पे देखोगे जो आई बी का मान क्या है, माइक्रो एम्पियर में 19 आ रहा है। ये 19 माइक्रो एम्पियर के अंदर आ रही है जो कि वैल्यू क्या है, 981 माइक्रो एम्पियर तथा 1000 माइक्रो एम्पियर की तुलना बहुत ही कम होती है। इसका कारण सबसे कम आने का होता है कि जो आधार जो होता है एक ट्रांजिस्टर के अंदर उसके अंदर डोपिंग जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। सबसे कम डोपिंग होने के बाद इसमें जो आवेश वाहकों के कारण जो करंट उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी, सबसे कम होगी। इस वजह से जो आधार के अंदर जो धारा की प्राप्ति होती है वो किसके अंदर, किस के अंदर प्राप्त होती है, माइक्रो एम्पियर के अंदर उस धारा का मान हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो ई मीटर तथा उत्सर्जक है, ई मीटर तथा कलेक्टर, उत्सर्जक तथा संग्राहक, इसके अंदर धारा आप देखोगे मिली एम्पियर के अंदर है, 0.981 मिली एम्पियर या फिर 1 मिली एम्पियर। इनका कारण होता है मिली एम्पियर में करंट का प्राप्त होने का कारण होता है कि उत्सर्जक तथा संग्राहक के अंदर जो धारा होती है वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। बहुसंख्यक आवेश वाहक के साथ इनके अंदर डोपिंग जो होती है वो आधार की तुलना बहुत ही अधिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो संग्राहक तथा उत्सर्जक के अंदर जो धारा है वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम प्राप्त होती है। उस वजह से यहाँ पे इनका मान क्या है, मिली एम्पियर के अंदर प्राप्त होता है। या फिर इनका जो ये उत्सर्जक तथा आधार की जो धारा होती है वो हमेशा किसके रूप में प्राप्त होती है, मिली एम्पियर के रूप में हमें प्राप्त होती है। लिख लिया यहाँ तक, अशोक रतनलाल कमेंट के अंदर बता दो। दूसरा पॉइंट अब हम इसी के अंदर, जब एक ट्रांजिस्टर के अंदर अलग अलग वोल्टेज होती है उनकी वैल्यू माइनस में या प्लस में किस प्रकार से, मतलब अगर कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है अंदर की तरफ आ रही है बाहर की तरफ निकल रही है, या कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, कोई समथिंग फॉरवर्ड में हो रही है कोई रिवर्स में हो रही है, तो उस आधार के ऊपर इस डायोड के अंदर कौन सी धारा जो है वो पॉजिटिव होती है, कौन सी धारा नेगेटिव होती है, कौन सा वोल्टेज पॉजिटिव होगा कौन सा वोल्टेज नेगेटिव होगा, उस वजह से हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे किसी ट्रांजिस्टर के अंदर धारा के प्रवेश करने का, धारा के आउटपुट होने का, इन सब के बारे में। इसके अंदर आपके एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई होगा तो अभी करवा देंगे साथ में ही। Thank you.
अब अगला जो टॉपिक है वो आप लोगों के इसके अंदर है चिन्ह मान्यता। ये चिन्ह मान्यता जो होता है उसके अंदर या चिन्ह परिपाटी के अंदर हम क्या करिए, कोई भी ट्रांजिस्टर होता है उसके अंदर तीन प्रकार की करंट होती है, उत्सर्जक धारा, आधार धारा तथा संग्राहक धारा, तथा साथ में हम क्या करते हैं दो प्रकार का वोल्टेज भी इसमें लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज तथा रिवर्स बायस वोल्टेज। उसके साथ में अगर आप ट्रांजिस्टर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये दो टर्मिनल होते हैं, इन दो टर्मिनल के बीच में भी एक धारा उत्पन्न होती है जिस या वोल्टेज होता है, उसको हम कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, आधार, संग्राहक, उत्सर्जक वोल्टता। यह वोल्टता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार उत्सर्जक वोल्टता। तो सबसे ऊपर वाला ये जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, आधार, संग्राहक, वोल्टता। अब इन तीन वोल्टता है इसके अंदर और इनके अंदर तीन धाराएं आई बी, आई ई तथा आई सी, इन तीनों ये जो छह प्रकार की चीज है, तीन प्रकार की धाराएं तथा तीन प्रकार के वोल्टेज जो कि किसके अंदर यूज होते हैं, एक ट्रांजिस्टर के अंदर यूज होते हैं, तो इन तीनों वोल्टेज तथा तीनों धाराओं में से किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी उसके लिए एक इसकी चिन्ह परिपाटी होती है, जो कि इसके अंदर प्रवेश करने वाली धारा, निकास करने वाली धारा, फॉरवर्ड बायसिंग तथा रिवर्स बायस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक धारा जो होती है वो क्या होती है, ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ निकलती है तथा कलेक्टर के अंदर ये धारा अंदर की तरफ, तथा बेस के अंदर ये धारा भी क्या होती है, अंदर की तरफ आती है। ये सिरा जो होता है किसका होता है, इनपुट का सिरा होता है ट्रांजिस्टर के अंदर, और ये सिरा क्या होता है, आउटपुट का सिरा होता है। अगर इसी प्रकार से अगर हम किसका और एक डायग्राम बना ले पीएनपी ट्रांजिस्टर का, तो वो भी इसी की तरह के तरह होगा, लेकिन बस उसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन अलग अलग होगी। इसी प्रकार से धारा बह रही थी, अभी क्रियाविधि जो बताई थी उसमें आप देख रहे थे तो उत्सर्जक था, उससे धारा अंदर की तरफ, बेस से भी बाहर की तरफ, तथा कलेक्टर से भी वो धारा क्या हो रही थी, बाहर की तरफ निकल रही थी। और उसी का जो सेम, इसी का उल्टा जो होगा वो किसमें होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। तो इन दो ट्रांजिस्टर के अंदर जो ये अलग अलग व्यवस्था है, इन अलग अलग व्यवस्थाओं के अंदर हमें ये पता करना है कि कौन सी धारा पॉजिटिव होगी, कौन सी धारा नेगेटिव होगी, एक तरफ से फॉरवर्ड बायस और एक तरफ से रिवर्स बायस करने की वजह से कौन सा वोल्टेज धनात्मक होगा तथा कौन सा वोल्टेज ऋणात्मक होगा, इनके बारे में पता करना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो कैसी युक्ति होती है, ट्रांजिस्टर
तीन टर्मिनल युक्ति है। इसमें इनमें एक टर्मिनल इसमें एक टर्मिनल क्या है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, इनके बीच में ये एक टर्मिनल आधार वो क्या है, उभयनिष्ठ है, जिसको हम कॉमन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। होता है जो कि निर्गत तथा निवेशी तथा निवेशी टर्मिनल के मध्य उपस्थित होता है। अब यहाँ पे ये जो एक टर्मिनल कॉमन होता है, जो कि दो टर्मिनल के बीच में होता है, उस वजह से इस युक्ति को हम क्या भी बोल सकते हैं, द्विपोर्ट युक्ति भी बोल सकते हैं। द्विपोर्ट युक्ति बोलने का कारण होता है कि यहाँ पे एक टर्मिनल जो होता है दो टर्मिनलों के बीच में कॉमन होना, कॉमन होने की वजह से यह इसके लिए भी जितना काम उत्सर्जक के लिए करेगा वही का वही काम ये किसके लिए भी करेगा, कलेक्टर या संग्राह के लिए भी करता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, ऐसी युक्ति बोलते हैं, द्विपोर्ट युक्ति बोलते हैं। निर्गत टर्मिनल के मध्य उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों में सबसे दोनों के लिए जो कॉमन टर्मिनल है वो कौन सा है, बेस है, ये ध्यान रखना। और ये बेस जो है दोनों तरफ उत्सर्जक तथा संग्राह के लिए एक जैसा कार्य करेगा, उस वजह से इस युक्ति को द्विपोर्ट युक्ति बोलते हैं। अब हम ये तो पता चल गया कि इसमें कॉमन कौन सा है, आधार है। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों युक्तियों के अंदर जो धारा होगी वो कौन सी धारा पॉजिटिव होगी और कौन सी धारा नेगेटिव होगी। सॉरी, ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा धनात्मक या पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये उसके अंदर ऐड होगी इस वजह से। लेकिन वहीं पर अगर कोई भी धारा ट्रांजिस्टर से बाहर की तरफ निकल रही है तो वो धारा क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। तथा जो धारा ट्रांजिस्टर से बाहर
निकलती है वह नेगेटिव होती है। ये इसके अंदर धारा का मान है, मतलब कौन सी धारा पॉजिटिव होगी जो कि ट्रांजिशन के अंदर की तरफ प्रवाहित होगी या उसके अंदर की तरफ आ रही है, लेकिन जो धारा ट्रांजिशन से बाहर की तरफ निकलेगी, जैसे कि ये आई ई हो गया या फिर ये आई बी तथा ये आई सी हो गया, ऐसी धारा जो ट्रांजिशन से बाहर की तरफ निकलेगी ना, वो धारा जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव या उनका मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो ट्रांजिशन से बाहर की तरफ निकल रही है या उसके अंदर धारा का मान को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं पर जो धारा अंदर की तरफ आएगी वो तो उसके अंदर एडिंग के एड होती जाएगी, उस वजह से उसका मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका ऊपर बड़ा क्वेश्चन तो नहीं, जो नॉर्मल दो नंबर का क्वेश्चन होता है वो पूछता है कभी कभी, जो आपके जो तीन पार्ट होते हैं बीएससी के अंदर, जो पेपर के अंदर उसमें एक सबसे पहला पार्ट होता है दो नंबर का, उसके अंदर नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा होती है वो कौन सी धारा पॉजिटिव होती है या कौन सी धारा नेगेटिव होती है, या फिर ये पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर दोनों दो संधियों के बीच में या दो संधियों के बीच में जो वोल्टता लगाई जाती है उस वोल्टता में कौन सी वोल्टता का मान पॉजिटिव होता है या कौन सी वोल्टता का मान नेगेटिव होता है, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं, उसके बारे में भी चिन्ह परिपाटी की सहायता से पता कर सकते हैं, तथा उसके बारे में भी आपके एग्जाम में दो नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वोल्टता का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक होना आधार पर निर्भर करता है। ये वोल्टेज पॉजिटिव होने के कारण ये होता है कि इस वजह से अगर VAB फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में होगी उसी वजह से क्या होगा, ट्रांजिशन क्या करेगा, वर्क करेगा। जब ये फॉरवर्ड बायस है तो इस कंडीशन के अंदर ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव सिरा जो है वो कहाँ पे ई मीटर की तरफ होता है, और हम ई मीटर से किसकी तरफ, बेस की तरफ जाएंगे, तो ई मीटर से बेस की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, उस वजह से इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तथा इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तथा ये वैल्यू भी क्या होती है, नेगेटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव तथा या भी पॉजिटिव।
इस वोल्टेज के अंदर जो इसका मेन डायग्राम है, जो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर के अंदर प्लस तथा माइनस के रूप में हम अलग अलग वोल्टेज को प्रदर्शित करेंगे, उसका डायग्राम जो है वो मैं कल बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये वैल्यू बता रहा हूँ कि कौन सी वोल्टेज पॉजिटिव होगी तथा कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, उसके बारे में आपको बता दिया है। और कल की जो क्लास होगी उसके अंदर किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर अलग अलग वोल्टेज, जैसे कलेक्टर बेस, कलेक्टर और कलेक्टर ईमीटर तथा बेस ईमीटर, इन वोल्टेज का अलग अलग तरीके से पॉजिटिव तथा नेगेटिव मान जो होता है, या किस जगह पर पॉजिटिव साइन आएगा या किस जगह पर नेगेटिव साइन आएगा, उसका मान किस प्रकार से ट्रांजिस्टर के अंदर प्रदर्शित करेंगे, उसका डायग्राम मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, उसमें आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो मेरे को आप बता देना, ठीक है ना।